अयोध्या में कल हुआ रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह शानदार रहा। इस दौरान देश भर से लगभग 7,000 गणमान्य कार्यक्रम में शामिल हुए। इन मेहमानों की इस लिस्ट में गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपतियों के नाम भी शामिल थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के ऐतिहासिक पल का साक्षी बने ये उद्योगपति काफी खुश नजर आए। वही राम मंदिर समारोह के बाद गौतम अडानी ने घोषणा की कि अडानी ग्रुप इंडोलॉजी में 14 छात्रों को PhD प्रायोजित करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडोलॉजी में भारतीय संस्कृति, भाषा और साहित्य का अध्ययन होता है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए अडानी ने लिखा कि भारत की संस्कृति और परंपराएं विश्व को उज्ज्वलित करने की क्षमता रखती है। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलते हुए भारतीय संस्कृति, भाषाओं और साहित्य के अध्ययन यानी इंडोलॉजी को बढ़ावा देना जरूरी है। इसी उद्देश्य से अडानी समूह ने अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर इंडोलॉजी में PhD करने के लिए 14 छात्रों को स्पॉन्सर करने का निर्णय लिया है। इससे भारत की सॉफ्ट पावर और इंडोलॉजी को वैश्विक पहचान मिलेगी। इसके साथ ही मिली जानकारी के मुताबिक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद अंबानी परिवार ने लगभग 2.5 करोड़ रुपए का दान भी दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।